हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज के लिए हम यहाँ पर कंबाइंड सीरीज को डिस्कस करते हैं सीएचओ और स्टाफ नर्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने भी फॉर्म फिल किए हैं या फॉर्म फिल करना है, भर देना। वैसे तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं और सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगी, फिक्स सैलरी है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। मीजल्स इज कॉज्ड बाय, खसरा निमन के कारण होता है, बताना है। क्या वेरिसला जोस्टर, आरएनए, पैरामाइक्सो वायरस, रोबेला वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शंस नंबर आरएनए, आरएनए पैरामाइक्सो वायरस। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहाँ पर चल रही है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज प्रोग्राम कवर्स द फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम में डैश को छोड़कर निम्नलिखित बीमारियां शामिल हैं। ऑप्शंस देखिए जल्दी से और सोचना है 3 सेकंड्स में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शंस नंबर बी, यानी कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। फ्रेंड्स, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज प्रोग्राम में ये जो बीमारी है, ठीक है, कुष्ठ रोग को छोड़ के बाकी ये सभी बीमारियां इसमें शामिल हैं। ठीक है, लेप्रोसी को छोड़ के, ठीक है, लेप्रोसी को छोड़ के बाकी सभी है। ठीक है फ्रेंड्स, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आपने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नहीं लिया तो व्हाट्सएप कर लेना, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ये पेपर निकल जाएगा। और एक और खास बात, अगर अभी तक आपको सीएचओ, स्टाफ नर्स या फिर बाकी के जितने पेपर हैं उनका सिलेबस क्लियर नहीं है तो व्हाट्सएप कर लेना, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस बनेंगे ये व्हाट्सएप करके ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे और आपका ये पेपर निकल जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। द काला आजार फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट बाइट ऑफ, काला आजार बुखार डैश के काटने से फैलता है, बताना है। ड्रैगन फ्लाई, सेप्सी फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर ऑल ऑफ द दिस, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो काला आजार है वो आपका फैलता है बड़मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई, इससे काटने से ये फैलता है। क्लियर, आई होप आपके सभी के आंसर सही हो रहे होंगे और उम्मीद करूंगा कि आपके सही भी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत कुछ लेकर आया आपके लिए, आपकी नीड्स, ड्रीम सब कुछ पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय आरएनए वायरस एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं सिवाय, वो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शंस देखा करें जल्दी से, ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी रहती है, जल्दी से देखिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जितने भी संक्रमण इन्फेक्शंस का यहां पर बात हुई है, इसका सही आंसर होगा स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं। इन द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरिसला जोस्टर, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, सिम्फसिस, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, इन विच इन फॉलोइंग विच डिसीज कॉज्ड बाय वेरिसला जोस्टर, द राइट आंसर इज चिकन पॉक्स, अगर आपने सोचा वेल डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं। When the diarrhea lasts of more than 14 days, it is called, क्या कहा जाएगा, जब दस्त 14 दिन से अधिक समय तक रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी से देखिए क्वेश्चंस, ऑप्शन देखिए, डिसेंट्री, एक्यूट वाटर डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया या फिर ऑल ऑफ दिस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परसिस्टेंट डायरिया, लगातार दस्त। क्लियर, नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर। अ प्रोटोजोअल डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विच पैरासाइट्स ऑफ द जीनस प्लास्मोडियम इज, बताना है। जीनस प्लास्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोअल रोग है, जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी यानी कि मलेरिया. क्लियर. अ प्रोटोजोल डिसीज कॉज बाय इन्फेक्शन विच पैरासाइट्स ऑफ द जीनस प्लास्मोडियम इज द राइट आंसर इज मलेरिया. क्लियर. नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स. और अभी भी आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, टाइम से देते अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट ले लेना, लाइफ आपकी बन जाएगी. ये मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं, 100%. ठीक है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोज टू इन्फेक्शन ब्लड आर ऑल एक्सेप्ट. देखिए निम्नलिखित सभी संक्रामक रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय वो देखिए हेपेटाइटिस बी सी एच आई वी या फिर ई. देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोज टू इन्फेक्शंस ब्लड आर और एक्सेप्ट. इसको छोड़ के राइट आंसर हेपेटाइटिस ई. ठीक है. क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट है द वायरस दैट कॉजेस डेंगू इज वायरस जो डेंगू का कारण बनता है देखिए अरबो वायरस फ्लैवी वायरस रेट्रो वायरस डीएनए वायरस बताइए. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इनकी फ्लैवी वायरस. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. वायरस जो डेंगू का कारण बनता है फ्लैवी वायरस. नेक्स्ट देखेंगे यहां पर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. उच्च रक्तचाप के परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित हैं सिवाय सॉल्ट इंटेक ऑब्सिटी अल्कोहल जेनेटिक फैक्टर बताइए. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर जेनेटिक फैक्टर. उच्च रक्तचाप के परिवर्तन जोखिम कारक निम्नलिखित हैं सिवाय इसको छोड़ के जेनेटिक फैक्टर्स. बाकी ये नमक का सेवन अगर ब्लड में ज़्यादा होगा तो डेफिनेट मोटापा शराब. ठीक है. लेकिन इसको छोड़ के जेनेटिक फैक्टर्स. क्लियर. अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट लॉन्च NPCDCS और आपने मुझे इसकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसकी फुल फॉर्म. टू टारगेट सरकार ने डैश को लक्षित करने के लिए NPCDCS कार्यक्रम शुरू किया है. क्या ये कैंसर है कार्डिक डिसीज है डायबिटीज है या फिर ऑल ऑफ दिस है. फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ऑल ऑफ दिस डी. ठीक है. ये सारे ही हैं इसके NPCDS गवर्नमेंट लॉन्च प्रोग्राम इसके अंडर. इसकी फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिए जल्दी से. नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे अ ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कैपेबल इन इनवेडिंग द एडजेसेंट टिश्यूज एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड बताइए. हाइपरटेंशन कैंसर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर डायबिटीज मिलिटस. फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कैंसर. क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए. कोशिकाओं के असामान्य विकास की विशेषता वाले रोगों का एक समूह जो आसन उत्तकों और यहां तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम है उसे कहा जाता है कैंसर. ठीक है. नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड्स एंड डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करना क्वेश्चंस के ऊपर. क्या ये प्राइमरी ट्यूमर है सेकेंडरी ट्यूमर है लिम्फोमा है या फिर ल्यूकेमिया है बताइए. इसका सही आंसर होगा सेकेंडरी ट्यूमर. कैंसर जो लसिका ग्रंथि और दूर के अंगों तक फैल गया है उसे कहा जाता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ऑब्सिटी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. देखिए क्वेश्चन ऑप्शन देखिए हाइपरलिपिडेमिया ग्लूकोज इंटॉलरेंस हाइपरटेंशन
कोरोनरी हार्ट डिजीज, द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ऑब्सिटी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइपोटेंशन, अल्पचाप, ठीक है, अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे, और अभी तक भी आपके पास टाइम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट ले लेना, लाइफ आपकी बन जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जेरोफ्थैल्मिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, जेरोफ्थैल्मिया को निम्नलिखित में से किस विटामिन के प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, देखिए जल्दी से, विटामिन डी, बी सिक्स, ए, ई, विटामिन ए। नेक्स्ट देखेंगे, डायबिटीज मेलिटस इज यूजली रिकॉग्नाइज्ड बाय, देखिए जल्दी से, इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोसोरिया, यानी कि पेशाब में शर्करा शुगर की मात्रा ज्यादा, लेटर टू ये किडनी डिजीज भी है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विल्सन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए जल्दी से, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर किडनी एंड ब्रेन, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, नन ऑफ दिस। विल्सन रोग की विशेषता है एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर किडनी एंड ब्रेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच द फॉलोइंग दिस इज नॉट कैंसर, कौन सा कैंसर नहीं है यहाँ पर, देखिए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग्लूकोमा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज वाई, कितना टारगेट रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, यह पता होना चाहिए आपको, इसका सही आंसर होगा 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, क्लियर, मलेरिया को भगाने के लिए, बिल्कुल पूरी तरह से। द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम दैट एम्स टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टैलिटी अमंग प्रेग्नेंट वुमेन वाई इंकरेजिंग दैम टू डिलीवर इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज कॉल्ड, बताइए कौन सा है, स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु दर को कम करके उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है उसे कहा जाता है, क्या ये जननी सुरक्षा योजना है, नवजात शिशु कार्यक्रम है, रोगी कल्याण समिति है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, बताइए, इसका सही आंसर होगा जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपने करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप करना है, ठीक है, व्हाट्सएप करिए, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का पूरा का पूरा सिलेबस ले लीजिए, अगर अभी तक आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से बनेंगे, पहली बात तो ये, दूसरी बात कोर्सेस टाइमली ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट ही आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आप ये सारा क्लियर कर लेते हैं आपको मैं 100% चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आपका एग्जाम निकल जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, और इससे ज़्यादा वैकेंसीज कभी लाइफ में नहीं आएंगी, आएंगी लेकिन बहुत कम आएंगी फिर, ठीक है, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है सभी के पास, छोड़ना मत इस मौके को, जिसने छोड़ दिया वो बहुत कुछ छोड़ देगा फिर, तो छोड़ना मत, पेपर देना जरूर, पढ़ के जरूर जाना, ठीक है, क्योंकि आपका निकल जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी जितने भी हाईलाइटेड